ये 650 जो है दिस इज के आरटी एडिशन एंड इसकी ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस कितनी पड़ती है? सर ये एक्स शोरूम है आपका 599। यार इतना ट्रैफिक कैसे हो जाता है यार इस समय? दोपहर का टाइम होता है, पता नहीं जनता कहां से आ जाती है इतनी। बट ये है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। सो व्हाट्स अप लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरे प्यारे भाइयों, मैं जा रहा हूँ आज कावासाकी वेस्ट दिल्ली, और जो आज ये वीडियो बनेगा ये आप सब भाई लोगों की रिक्वेस्ट पे है, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब भाई लोगों ने इतना प्यार दिया है। जो लास्ट वीडियो बना था मेंटेनेंस कॉस्ट ईएमआई जो निंजा 300 का बना है, उसी के बेसिस पे आज एक वीडियो बनेगा। अब ये नहीं पता वहाँ पे कौन सी बाइक है, वो वाला वीडियो बनेगा। सो चलते हैं वेस्ट दिल्ली कावासाकी। जाने से पहले एक शाउट आउट देने लगा हूँ सलमान खान भाई का। भाई ने बहुत अच्छा कमेंट करा है लास्ट जेडी ब्लॉग्स दिल्ली के वीडियो पे, थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर गिविंग योर लव। और दोस्तों इसी तरह करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, मज़ा आ रहा है। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल जेडी ब्लॉग्स दिल्ली को सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे प्यारे भाइयों, नीचे लाल वाला बटन आ रहा होगा ऐसे कलर का, सो झट से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले बटन बेल आइकॉन को भी जो इधर साइड पे दिख रहा होगा दबा के ऐसा कर दो जैसे दिख रहा है, ताकि नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस की मिलती रहे। रोज वीडियो डालता हूँ। एंड साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की भी आईडी स्क्रीन के नीचे आ रही होगी। जो आप सब भाई लोग क्वेश्चन क्वेरीज कोई भी आप चीज़ पूछना मांगते हैं वो इंस्टाग्राम पे पूछे, वहीं पे जवाब देता हूँ, बहुत सारी अपडेट्स भी डालता हूँ, फॉलो कर लो यार। एंड सो चलते हैं वैसे ही कावासाकी और देखते हैं कौन सा बाइक पे वीडियो बनेगा, और मिलवाते हैं अपने दोनों H2 भाइयों से। चलिए मेरे भाइयों, आज मैं एक बार फिर आया हूँ कावासाकी शोरूम में, और मेरे साथ है मेरे दोनों भाई H2। और नाम ये वाला है टीपीटी पिटा वाला, ये है मीर और ये हर्षी, बिल्कुल बिल्कुल H2 है। और एक और चीज है, ये कस्टमर हमसे पूछ रहा है कि आपके नाम में इतनी कंफ्यूजन क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूं जेडी का कंफ्यूज होता रहता है भाई। जो आज एक और वीडियो बनने लगा है, और ये सब आप भाई लोगों ने इतने मैसेजेस और कमेंट्स करे थे कि जोएल भाई जो चीज़ आपने बताई है ये कावासाकी निंजा 650 के लिए बनाइए, तो ये है आज पेश कर रहे हैं कावासाकी निंजा 650, जिसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, क्या डाउन पेमेंट, क्या कितने की बाइक है, क्या ईएमआई ऑप्शंस एंड ऑल एवरीथिंग, जो पहले कावासाकी निंजा 300 का बना है 300 का। सो एक चीज़ है, सो स्टार्ट करते हैं। सो भाई पहले ये बताइए कावासाकी निंजा ये 650 जो है दिस इज केआरटी एडिशन एंड इसकी ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस कितनी पड़ती है? सर ये एक्स शोरूम है आपका 599, 6 लाख रुपया, 6 लाख से 1 लाख कम सर। सर एक्चुअली 2 कलर होते हैं, एक ब्लू एक ब्लैक, वो दोनों कलर 599 दस सस्ते हैं। 599 एक्स शोरूम है, ऑन रोड ये पड़ती है 683 की, वो पड़ती है 683, ये 683 की पड़ती है मेरे प्यारे भाइयों। एंड दिस इज ऑन रोड दिल्ली, सो ऑन रोड दिल्ली इंक्लूसिव ऑफ योर आरटीआई इंश्योरेंस और एवरीथिंग जो भी पड़ता है। सो अब आते हैं मुद्दे की बात पे, तो भाई कोई भी अगर भाई लोग इस खूबसूरत बाइक को फाइनेंस करवाना मांगते हैं तो व्हाट आर दी ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सर ऑप्शन वही है जो पहले भी थी हमारे पास। हाँ मेरे पास HDFC है, येस बैंक है, IDFC है, ओके ये सारे बैंक 80% ऑफ आपका डाउनलोड फाइनेंस करते हैं, 20% आपके डाउनलोड। सो मतलब 20% आपको देना है और 80% कंप्लीट फाइनेंस, मतलब 80% फाइनेंस हो जाएगा।
सो 6,20,000 अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं KRT डिजिटल को बोलूँ तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो जब कस्टमर बुकिंग करवाना मांगता है तो बुकिंग अमाउंट कितना दे सकता है? 10-20,000 जो कस्टमर को ठीक है, जो कस्टमर को ठीक लगे। अमाउंट नहीं करते कस्टमर वापस ही भेजते सर किसी को, मतलब आप सुन रहे हैं कि कोई लिमिटेड फिक्स अमाउंट नहीं है जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है 10-20,000 जो देना मांगते हैं आप इस बाइक को बुक करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन, नाउ फाइनेंस के लिए जो हमारे को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी, क्या क्या चाहिए और बुकिंग टाइम पे आप क्या क्या देखना पसंद करते हैं, कस्टमर से क्या लेते हैं? सर सी अभी गवर्नमेंट का रूल था कि हम किसी से मेरा 2,00,000 रुपये कैश लेते हैं, ओके तो हम क्या करते हैं कस्टमर से 1 MB कैश लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बाकी उसको बोलते हैं कि आप मुझे RTS कर दो, एडजस्ट कर दो अगर आप पूरी पेमेंट करते हैं। इसके लिए मोस्ट ऑफ द कस्टमर कैसे आते हैं कि जैसे 6,70,000 की गाड़ी है, हाँ हाँ उनके पास कैश होता है, ओके एक बस आईटीआर की दिक्कत होती है जो मोस्ट ऑफ इंडियंस के बाद अभी मतलब नया नया शुरू आदत होगी, तो हम तो बोलते हैं सर ऊपर वाला एक तरह से कैश दो, बाकी 5,00,000 का मैं विदाउट एड्रेस पर लोन करा, तो 1 MB तक आप कैश दे सकते हो जो ऊपर वाला है, बाकी हम लोन करा। सो मतलब वैसे हम इसका 1,20,000 जो है डाउन पेमेंट बनती है और बाकी जो अमाउंट है आपका वो फाइनेंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज गवर्नमेंट ये बता रहे कि अगर आपका 5,00,000 से कम का लोन होता है उन्होंने आईटीआई की जरूरत नहीं, सिंपल मोस्ट ऑफ कस्टमर यही करते हैं। दिक्कत किसको जो सुपरबाइक ले रहा है ऑलरेडी वो बहुत इतना वेल सेटल होता है कि वो गाड़ी ले सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बस दिक्कत आधार चाहिए, हाँ पैन कार्ड चाहिए, हाँ आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर आप बिजनेस खिला रहे हैं, ओके सैलरी है तो सर सैलरी है तो आपकी सैलरी से चाहिए भी होगी और बैंक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, सैलरी के लिए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा और कुछ कोई वो पानी का बिल बिजली का बिल आपकी बिजली का बिल दो पानी का बिल दो या मुझे हॉस्टल के सेफ ओनरशिप प्रूफ होता है, हाँ ओनरशिप प्रूफ का प्रूफ, ओके आप किसी के नाम पर आपके फादर के नाम पर दादा के नाम पर वो कोई मैटर नहीं करता, आपका ही है वो मोटा मोटी 1,30,000 बनेगी आप 5,00,000 का लोन करा, अगर चलो 5,50,000 के ऊपर 5 years की EMI कितनी बनती है सर? 11,800 ओनली 5,50,000 के ऊपर आपने 1,30,000 देना मुझे, हाँ हर महीने सर 1,30,000 वो तो कैश पर ऑफर है वो तो, बाकी 1,30,000 दो मंथ की मतलब 11,800 कुछ भी नहीं है भाई। देखो एक चीज़ आपको 6,50,000 ले रही है, एक चीज़ है आपको ये मिल रही है 6,50,000 के लिए किसी की बाइक पैरेलल ट्विन दो ट्विन और कितनी BHP रहती है 68 BHP क्या है यार, पावर पैक में कोई नहीं देगा 68 BHP भाई पावर पैक है आपकी अच्छी इस रेंज में बाइक ही नहीं है सर 650। अब आते हैं अगर कोई भाई लोग बोलते थे भैया मेरी पॉकेट ज़्यादा भैया मेरे पास बजट मेरा अलाउ करता है मैं ज़्यादा भर सकता हूँ, तो 3 साल अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो रहा है 3 साल के लिए 3 साल की 17,800 और बढ़ी तो रफली अप्रॉक्सीमेटली मैं ये कहूँगा कि 2,000 रुपये जो EMI का जो इंटरेस्ट जा रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ जितना है। खत्म होगी थी सर ये क्या ही बताया आपको टेस्ट लाता हूँ ये टेस्ट राइड वाली क्या ही बताया आपको ये टेस्ट राइड वाली व्हीकल पर वीडियो इस बार हम स्टार्ट भी कर देंगे अभी दिखाते हैं आपको स्टार्ट इसकी बात करो सुना दे अभी क्या पहले 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 अभी क्या अभी आउट एग्जॉस्ट है आवाज नहीं आएगी हाँ नहीं आएगी आएगी तो इस स्प्लेंडर वाली है सर टू स्प्लेंडर दो स्प्लेंडर जिस दिन आप पूरे पेपर दे देते
सब हो जाएगा, 3 से 4 दिन लगते हैं मैक्सिमम3 से 4 दिन होने के बाद कस्टमर डाउन पेमेंट देता है। कितनी आपको कितने दिनों के बीच में बाइक ये वाली निंजा 650 जो है डिलीवर होगी? सर लोन के जैसे अप्रूवल आ जाए मार दे, जैसे भी होगा जैसे भी अप्रूवल आएगा तो 3-4 डेज 4 दिन लग जाते हैं वर्किंग डेज, 4 वर्किंग डेज। सो दोस्तों 4 वर्किंग डेज। और एक चीज़ है, कोई हिडन चार्जेस नहीं सर हमारी तरफ से तो कोई नहीं है, लेकिन बैंक एक 5 चार्ज देता है। अच्छा वो जो बैंकों के जो 5.25 ऐसे एक चीज़ हिडन रहेगी हमारी तरफ से, हिडन डिस्काउंट है सर हमारे पास। राहुल और यहाँ पे इंजीनियर है नीचे सर्विस में, और भाई ये खड़ी है सामने कावासाकी निंजा 650। सो दो तीन चीजें जो भाई लोग हमेशा पूछना मांगते हैं, वो ये सर्विस कॉस्ट वगैरह, ठीक है। पहली तो चीज है ये बाइक की जो फर्स्ट सर्विस है कब होती है, क्या ड्यूरेशन है उसकी? ओके, फर्स्ट सर्विस इनिशियली ये फर्स्ट मंथ और 1000 किलोमीटर पे होती है। यस, और फर्स्ट सर्विस इसकी निंजा 300 से भी कम होती है। रीजन भी क्या होता है, इसके अंदर जो इंजन ऑयल होता है आपका सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर डलता है। ओके, तो जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्टिंग रहती है ओनली 4400 रुपीज़ की है। इसकी 4400 रुपीज़। और जो नेक्स्ट सर्विस है, नेक्स्ट सर्विस में आपकी एक चीज़ एडिशनल हो जाती है, वो है आपका एयर फिल्टर क्लीन। So with air filter clean it will cost you around 6000 next service. अब वो जो next second service होती है वो कितने किलोमीटर पे? 6000 किलोमीटर। और साल में फिर इसका मतलब every 6000 किलोमीटर? जी। तो ये नया खुलासा करा भैया ने कि सर्विसिंग इसकी ज़्यादा सस्ती पड़ती है 300 से। हाँ, तो नया खुलासा। और एक चीज़ है, तो नेक्स्ट थर्ड सर्विस जो है, थर्ड सर्विस में कुछ अगर एडिशनल कंज्यूमेबल डालते हैं कि? थर्ड सर्विस में वही डिपेंड करता है कि आप कितना चलाते हैं। थर्ड सर्विस इनिशियली वैसे 12000 किलोमीटर पर होती है, जिसमें आपका ब्रेक पैड्स वो चीज़ मैटर करते हैं कि ब्रेक पैड्स आपका कितना वेयर एंड टियर होता है। सपोज 12000 चल जाते हैं तो आगे पीछे के ब्रेक पैड्स आपके चेंज होते हैं आगे पीछे। हाँ, और इसके अंदर 2 डिस्प्लेट्स हैं, तो आगे 2 आपके पेयर डलते हैं, एक पीछे डलता है, तो उसका ऑलमोस्ट कॉस्टिंग 12000 रुपीज़ का पार्ट करता है। 12000 जी, एक इनिशियली 4000 रुपये का एक पेयर होता है, 4000 2000 4000 एंड 10000। अगर कस्टमर कम चलाता तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वही उन्होंने 12000 किलोमीटर 12 से 15 के बीच में। आगे वाले के पैड्स इतने जल्दी नहीं वेरेंटी होते, इनिशियली पीछे वाले के हो जाते हैं। तो 12000 रुपीज़ वो सॉरी 12000 किलोमीटर का ये मान लें कि 4000 रुपीज़ आपके और एडिशनल हो गए। तो इसके अलावा कुछ और भी कोई खर्चा होता है कुछ कस्टमर की तरफ से अपार्ट फ्रॉम बाइक के अलावा? इसके अलावा तो और कोई इनिशियल नहीं होता, बाकी आपके चलाने के ऊपर होता है कि आप क्लच ब्रेकिंग कैसे चला रहे हो। मैं तो ये बोलूँगा भाई ने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, और ये सब कुछ आप सब भाई लोगों के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच राहुल भाई फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। शोरूम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा कि क्या क्या शोरूम में पूछना होता है। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक्स फॉर योर टाइम। मेरे भाइयों, आज का वीडियो जो मैंने बनाया है जहाँ पे आपको ये कावासाकी निंजा 650 भाई लोगों ने सारी की सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बताई है, ईएमआई, डाउन पेमेंट, फाइनेंस और मेंटेनेंस एंड ऑल एवरीथिंग जो आप सब भाई लोग पूछना मांग रहे थे सबको बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है गिव्स अ थम्स अप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के अंदर। और जो भाई लोग कावासाकी निंजा 650 लेना मांग रहे हैं भाइयों, ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिए, फॉरवर्ड ज़रूर करिए। और दोनों भाइयों का H2 भाई दोनों जो है मेरे, इनका नंबर ऊपर स्क्रीन पे चल रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। एंड कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है भाइयों कॉन्टैक्ट करिए और झट से आइए। अगर पसंद आती है बाइक लेना मांगते हैं तो भाइयों सीधा वेस्ट एरी कावासाकी भाइयों को आपने मिलिए, बेस्ट से बेस्ट डील मिलेगी। सो दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा मज़ा आ गया इस वीडियो को बना के, और अभी तक आपने मेरे चैनल JD व्लॉग्स दिल्ली को सब्सक्राइब नहीं करा नीचे लाल वाला बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब वाला झट से दबा दो, साथ में बेल आइकॉन को भी ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।
एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ रोज। सो मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों एक और ऐसे धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।